हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपकी दोस्त मोनिका, यूट्यूब चैनल यूजम शिक्षा केंद्र से। और एक बार फिर से आपके साथ हूँ लाइव प्रोसेस के पार्ट 4 के साथ। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले जाकर उनको देख सकते हैं, फिर इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। सो प्रीवियस वीडियोस में हमने क्या पढ़ा था? हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था एंड हमने रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था। सो न्यूट्रिशन में क्या हुआ था, जो हमारा फूड हम इनटेक करते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, दैट इज ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेस्पायरेशन में उस ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज होती है। अब नाउ हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें क्या होता है, वो एनर्जी अब हमारे पूरे बॉडी में कैसे ट्रांसफर हो रही है, उस प्रोसेस को हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो अगर आप और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल यूजम शिक्षा केंद्र को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हमारे फेसबुक पेज एम टू अचीव एंड टेलीग्राम ग्रुप यूजेम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। सो लार्ज ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जरूर होता होगा। ठीक है, किस इन देयर बॉडीज टू सप्लाई ऑल देयर सेल्स विद फूड। क्या क्या फूड, ऑक्सीजन, वाटर या जो भी अदर मटेरियल्स हैं उनको सप्लाई करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी हर ऑर्गेनिज्म में एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, जिसके थ्रू ये सारी चीजें क्या होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। सो ट्रांसपोर्टेशन इज द लाइफ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस एब्जॉर्ब्ड मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है, जो भी सब्सटेंस है वो एक पार्ट में है हमारी बॉडी के, उस पार्ट से वो पूरी बॉडी में कैसे ट्रैवल करता है, ट्रांसपोर्ट होता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन। सो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स इज द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जो हमारी ह्यूमन बींग्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो मेनली किस पर डिपेंड करते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखो, द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो ब्लड है वो क्या क्या कैरी करता है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन कौन कैरी करता है, रेड ब्लड सेल, उसमें क्या होता है, हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्या कैरी करता है, डाइजेस्टेड फूड, जो कि कौन कैरी करते हैं, प्लाज्मा, ये भी किसमें प्रेजेंट होते हैं, हमारे ब्लड में। एंड अदर केमिकल्स, और भी अदर केमिकल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे हार्मोन्स हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स होगी जो कि हमारी बॉडी पार्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो ब्लड क्या करता है, इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करता है। द ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट। देखो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, एक होता है हार्ट होता है हमारा, और एक क्या होती है, हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं। जो हार्ट होता है वो क्या करता है, पंप करता है ब्लड को, पूरी बॉडी में उसको सर्कुलेट कराता है। एंड जो ब्लड वेसल्स होती है वो ट्यूब्स या फिर पाइप्स होती है, जिसके थ्रू हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है, इन एडिशन टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और इसके साथ में एक और सिस्टम होता है हमारा, उसको क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। वो भी क्या करता है, अदर टाइप ऑफ मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है, वो हम आगे देखेंगे। दस इन ह्यूमन बींग्स, तो इससे हमें क्या पता लगा कि ह्यूमन बींग्स में जो भी सब्सटेंसेस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ब्लड और लिम्फ के थ्रू। ये दोनों क्या होते हैं, एक तरह के लिक्विड होते हैं। इन द सर्कुलेटरी सिस्टम द हार्ट एक्ट एज अ पंप। जो हार्ट होता है वो पंप की तरह एक्ट करता है, ब्लड को पुश करता है। एंड द आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज क्या है, एक्ट एज अ पाइप, पाइप की तरह करती हैं वो, जो कि जिसके थ्रू हमारा ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं हार्ट के बारे में। तो हार्ट क्या होता है हमारा, इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन। इसमें क्या होते हैं, फोर चैम्बर्स होते हैं, देखो 1, 2, 3। अब जो अपर टू चैम्बर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इन दोनों चैम्बर्स को हम एट्रिया बोलते हैं, एंड सिंगुलर में बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, एट्रियम। और जो लोवेस्ट चैम्बर्स होते हैं हमारे, हम उनको क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। सो द लेफ्ट एट्रियम इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो लेफ्ट एट्रियम है वो किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, किसके थ्रू, एक वेल्व के थ्रू, जैसे हमने इसको नाम दे दिया V1 वेल्व। और जो हमारा राइट एट्रियम है वो हमारे किससे कनेक्टेड है, राइट वेंट्रिकल से, किसके थ्रू, एक वेल्व के थ्रू। तो जो वेल्व होता है वो क्या करता है, हमारा ब्लड जैसे लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ट्रेवल कर रहा है, तो जब यहाँ से ये पूरी बॉडी में ट्रेवल करेगा ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो कहीं ट्रेवल करते टाइम जो हमारा ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए, उस फ्लो को ब्लॉक करने के लिए हमारी क्या होती है, यहाँ पे वेल्व होती है, जो उस बैकवर्ड फ्लो को ब्लड के कंट्रोल करती है। These valves prevent the backflow of blood into atria when the ventricle contracts to pump blood out of the heart to rest of the body. So आगे देखते हैं कैसे प्रोसेस होते हैं इसके। Since verticals क्या करती है, ब्लड को पंप करती है इन टू वेरियस ऑर्गन विद हाई प्रेशर।
दे हैव थिकर वॉल्स एंड एट्रिया। जो वेंट्रिकल्स होती हैं उनकी क्या होती हैं, थिकर वॉल्स होती हैं, क्योंकि उन्हें हाई प्रेशर से क्या ब्लड को फ्लो कराना होता है थ्रू आउट द बॉडी। सो द प्रोसेस देखते हैं। अब जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो कहाँ, लंग्स से आता है, फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर। तो सबसे पहले क्या होता है, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है वो कहाँ से आता है, लंग्स के थ्रू आता है, और कहाँ पे आता है सबसे पहले, लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, यहाँ देखो लेफ्ट एट्रियम में लंग के थ्रू हमारा क्या आ गया, ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड आ गया। ठीक है, नाउ इट देन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम हमारा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस ब्लड को कहाँ फ्लो कराएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, सो दैट द ब्लड इज ट्रांसफर टू इट एंड देन द ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ फ्लो कराएगा और उसके थ्रू क्या होगा, वो ब्लड कहाँ फ्लो करेगा, आउट ऑफ द हार्ट टू द बॉडी। नाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी। अब देखो यहाँ से क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और कहाँ जा रहा है, राइट एट्रियम में, एंड जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगी, ठीक है, तो ब्लड कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, लंग्स में फॉर ऑक्सीजनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह क्या होता है, हमारा जो ब्लड होता है हमारे हार्ट से बॉडी तक और बॉडी से फिर वापस हार्ट में ट्रेवल करता है। तो आगे और देखते हैं, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। अब जो ब्लड फ्लो करता है हमारा किसके थ्रू फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स के थ्रू। सो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, फर्स्ट इज आर्टरीज, सेकंड इज वेन्स, थर्ड इज कैपिलरीज। तो आर्टरीज क्या करती हैं, थिक वॉल्ड होती हैं पहले तो, ठीक है, हाई प्रेशर को, हाई प्रेशर इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड फ्लो करता है वो किससे करता है, हाई प्रेशर से फ्लो करता है। विच कैरी आर्टरीज कहाँ से कैरी करती हैं, ब्लड को हार्ट से टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और जो वेन्स होती है वो कलेक्ट करती है ब्लड को डिफरेंट पार्ट से एंड कहाँ पे उसको ट्रांसपोर्ट करती है, हार्ट में। तो जो आर्टरीज और वेन्स होती है वो अपोजिट है एक दूसरे की। कैपिलरीज क्या करती है, द आर्टरी डिवाइड। अब जो ये आर्टरीज है जो हमारे हार्ट, जो हमारे ब्लड को हार्ट से पार्ट बॉडी पार्ट में ट्रेवल करा रही है, तो वो किस में डिवाइड हो जाती है, स्मॉल स्मॉल वेसल्स में। ठीक है, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती है, बहुत थिन थिन ट्यूब्स होती है जो हमारे ब्लड को फ्लो कराती है विद to the individual cells. Now the smallest vessels have walls which are one cell thick. जो हमारे smallest vessel होती है वो one cell thick होती है, जितना हमारे one cell की thickness होती है उतनी ही होती है, and उन्हीं को क्या कहते हैं हम, capillaries. और जो capillaries होती है अगर हम उनको join कर दें together तो वो क्या बनाती है, veins बनाती है। ठीक है, तो ये था ब्लड वेसल्स के बारे में। नाउ अब हम पढ़ते हैं लेम्फेटिक सिस्टम के बारे में। तो देखो हमने लेम्फेटिक सिस्टम भी देखा था, तो उसमें क्या होता है, एक ये सिस्टम होता है जिसमें क्या होती है, लेम्फ वेसल्स होती हैं और लेम्फ नोड्स होती हैं, जो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेम्फ विच इज अ कलरलेस लिक्विड एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन। तो देखो ये जो लेम्फ होता है ये बनता कैसे है, जो हमारे वॉल्स होती हैं कैपिलरीज की, ठीक है, उसमें कुछ पोर्स होते हैं, उसमें से क्या होते हैं कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स या ब्लड वेसल के होते हैं एस्केप हो जाते हैं और वो एक लिक्विड बना देते हैं, एंड उसी लिक्विड को हम क्या कह देते हैं, लिम्फ कहते हैं। सो जो लिम्फ होती है वो क्या कैरी करती है, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को कैरी करती है फ्रॉम द इंटेस्टाइन। सो ये भी जो होता है ये भी कुछ मटेरियल हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रही है, तो इसलिए ये भी एक टाइप का क्या है, हमें फूड प्रोवाइड कर रही है। Now, what is double circulation? A circulatory system in which the blood travels twice through the heart. ठीक है, ऐसा circulatory system जिसमें कि जो हमारा blood है वो दो बार travel कर रहा है heart से एक complete cycle में, उसको क्या कहते हैं, double circulation. जैसे कि हमारे human circulatory system में होता है, पहले क्या करता है, blood heart से पहले lungs के पास जाता है and फिर lungs से back to heart जाता है, उसको क्या कहते हैं, pulmonary circulation. तो ये एक cycle में एक बार ही उसने ट्रैवल किया, ठीक है, और एक बार कब ट्रैवल कर रहा है, जब वो द पाथवे ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट, अब हार्ट से कहाँ जा रहा है, बॉडी के पास जा रहा है, एंड फिर बॉडी से हार्ट के पास जा रहा है, तो एक ही साइकिल में दो जगह ट्रैवल कर रहा है, एक बार हार्ट से लंग और एक बार हार्ट से बॉडी, ठीक है, दो तो उसी दोनों एक साइकिल में वो दो बार ट्रैवल कर रहा है, सो उसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। द एनिमल्स सच एज मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स एंड द बर्ड्स हैव फोर चैम्बर हार्ट। तो जो भी एनिमल्स होते हैं या बर्ड्स होते हैं उनमें कितने चैम्बर्स होते हैं, फोर चैम्बर्स होते हैं, और वो क्या फॉलो करते हैं, डबल सर्कुलेशन, इन विच द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कम्प्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। अब जो एम्फीबियंस होते हैं लाइक फ्रॉग्स हो गए या फिर अदर रेप्टाइल्स हो गए, वो क्या होते हैं, थ्री चैम्बर हार्ट होते हैं, उनमें दो एट्रिया होती है और एक वेंट्रिकल होता है। सो
वो भी डबल सर्कुलेशन ही फॉलो करते हैं, बट ड्यू टू द इनकम्प्लीट डिवीजन की वजह से जो उनमें जो ब्लड आता है, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड के होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, बट ऐसा हमारे ह्यूमंस या फिर फोर चैम्बर्ड हार्ट ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। नाउ द फिश हैज टू चैम्बर्ड हार्ट। अब जो फिश होती है उसमें दो ही चैम्बर्स होते हैं उसके हार्ट में, विच कंसिस्ट ऑफ वन एट्रियम एंड वन वर्टिकल वेंट्रिकल, ठीक है। द फिश डज नॉट हैव लंग्स। जो फिश होते हैं उनके पास लंग्स नहीं होते, गिल्स ही होती हैं जो क्या करती हैं, ब्लड से ऑक्सीजन ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है थ्रू आउट द बॉडी। और इसमें ये क्या, इनमें क्या होता है, सिंगल ही सर्कुलेशन होता है, एक ही बार ही सर्कुलेट होता है। सो अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द वेसल्स विच टेक्स द ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। सो वो कौन से वेसल है जो ब्लड को हार्ट से लंग्स में ट्रांसपोर्ट कराती है, तो कौन सी थी, पल्मोनरी आर्टरी थी अभी हमने देखा, तो इसका आंसर क्या है, बी। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज टॉप टू चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। अब जो हमारे टॉप टू चैम्बर्स होती है उनको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एट्रिया बोलते हैं। सो द आंसर इज ए। और जो हमारी लोअर चैम्बर्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स। नाउ थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ द वेल्व्स इज, अभी बताया था कि जो वेल्व्स का फंक्शन होता है वो क्या करता है, स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। जो ब्लड का बैक फ्लो है उसको स्टॉप करता है या फिर उसको ब्लॉक करता है। So the correct answer is B. So, बाकी continue next video में करेंगे. Thank you guys.